ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। हेलो एवरीवन, सारिआं नूं सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करदा कि तुसीं सारे बिल्कुल ठीक होवोगे। इस वक्त बज चुके ने मॉर्निंग दे 4:15 हो चुके ने सवेर सवेर दे। ते मैं अज मॉर्निंग 3 बजे उठ खड़िया सीगा ते अज मैं जा रहा सी अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकन दे लई। इस साल दे स्टार्टिंग दे विच वी मैं जा के आया सीगा दरबार साहब, उदों अपने मैं दोस्त नाल गया सीगा। इस बार आपां जा रहे अपने पेरेंट्स दे नाल ते असी पहुँचांगे तकरीबन 4:30 घरों चलांगे ते 7:30-8 असी दरबार साहब पहुँचांगे, यानी कि आप अमृतसर एंटर कर जाएंगे इन्ने टाइम विच। ते उस तो बाद आप मत्था टेकांगे दरबार साहब जाके। ते उम्मीद करता कि सानू अज दा ब्लॉग बहुत वधिया लगेगा ते आप थोड़े टाइम घर तो चलांगे। ते उस तो बाद की हैगा आपनू टाइम लग जूगा आउंदे होए भी। ते जिद्दां भी हुंदा आपां तुसीं ब्लॉग विच बने रहो, ब्लॉग देखियो सारा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। 3 बजे उठ खड़िया सीगा, नहाता, फिर उस तो बाद खाना वगैरह खा लिया सीगा। तो बस थोड़े टाइम तक बस हम घर तो चलांगे। तो अपना खाण पीन वगैरह आप सब कुछ रख लिया सी, वो मैं सानू हुणे दिखाउणा। नाल एक छोटा आप कैरी बैग भी रख लिया, लोड पऊगी आप भी दिखूंगी यूज़ कर लाँगे। ये मेरे एक मोबाइल पियागा तो हैंकी वगैरह भी पियागा। तो बस खाण पीन आप दिखाउणा कि नाल लैके जा रहे हैं। ये बननी सी अपने रोटी, भुख लगी खा लाँगे। ये अपने दाल भुजिया बिस्कुट वगैरह सब कुछ रख लिया। ये अपना कप भी रख लिया सीगा। तो ये होर समान नैक्सट एक अपने ये नींबू वाला पानी लोड पई तो आप ये पी लेंगे जाते हुए। तो ठंडा हाल तक काफ़ी ज़्यादा ठंडी पई है बोतल ये, तो गिलास है, तो ये लेके चलेंगे। तो इस वक्त दस के टाइम 4:20 होने वाले, बस आप थोड़े टाइम तो घर तो निकलेंगे। ड्राइवर आने वाला जाके मैं नीचे खोलना गेट तो सूँ 10 घंटे तकरीबन 8 बजे आप अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो ओके, आ चक लिया आप सारा समान, जाके खोलते हूँ गेट नीचे। काफ़ी नेरा हाल तो सूँ 4:30 ने हाल तक बाहर हैगा नेरा। तो मैं खड़ा से अपने घर को सड़क जाते उ खड़ा सीगा। तो बस सूँ सरां जी पई हैगी, सड़क से कुत्ते फिर रहे हैं दूर दूर। सामने रोड हाईवे हैगा वह भी बिल्कुल सुनसान, तो मैं भी बहुत ज़्यादा सुनसान। पहुंचते नहीं है अमृतसर। असं हम पहुंच चुके हाँ गए लाडोवाल टोल प्लाजे से। बहुत बड़ा टोल प्लाजा है भी पंजाब का। सतलुज रहा असं क्रॉस कर रहे हैं, बहुत भरया पेगा, कैमरे में नहीं दिखाई देता लेकिन बहुत ज़्यादा भरया जा रहा है। इस वक्त सतलुज रहा फुल एन पानी के नाल। ओके, असी हम खड़े से चाह पीने वास्ते हवेली, तो हम असी चाह पीने वास्ते जा रहे हैं। इन्ना साडा भाई लैके जा रहे हैं अज अमृतसर, तो बैठ के चाह पीने वास्ते। थोड़ी सुस्ती पई हुई थी तो तकरीबन सू 15 मिनट लगने उ 6:30 हो चुके हैं कि साढ़े घर 4:30 चले असं घर तो 6:30 हो चुके हैं। तो बैठते हैं जाके हवेली, पीने उसे जाके चाह। तो बहुत टाइम बाद अज हवेली जा रहे हैं। तो तकरीबन मैं आया नहीं उरे, आई थिंक 7-8 साल हो गए उस तो बाद मैं कहीं आया नहीं उरे। बस कई बार जलंधर आया गए तो बस इधर आए ही नहीं है, सीधे इतों निकल जाने गए इतों रोड तो। अज आ रहे हैं पीने के चाह। सारे को फुल किन्ने सोने लगे ने उरे, मैनू ये बड़े पसंद ने, मतलब स्मैल इन्हां दी ना खुशबू बहुत सोहनी होंदी है। तो आ सी फुल
करके आ गए अपनी चाह ते नाल अपने है लेज़ ये खाने गे। काफ़ी टाइम बाद उ रुकेंगे, काफ़ी टाइम बाद अभी हवेली रुकेंगे तो बस हम चाह पी लेंगे तो कि 15-20 मिनट उ लग जाएंगे। होर फिर पानी वाला खोह बड़ा डूंगा नहीं है, थोड़ा ही डूंगा है, पानी पीन लगी पी है तो पानी पी ला हवेली तो बस हूँ चल देंगे। चाह पी आए थे तो हूँ वापस जा रहे हैं गाड़ी कार के कोल जा रहे हैं हूँ तो और तकरीबन सूँ लग जू 1.5 घंटा होर तो मैं लगा जिस हिसाब से खड़ गए उ 8:30 बजे असं पहुँचा अमृतसर। चलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली मॉर्निंग जितने सूँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलते होंगे बट अज सूँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगी वह सू बेनीफिट हो गया। तो हूँ असी इधरों जाना गा तो कार अपनी वो सामने खड़ी हैगी तो बस चल देंगे। ड्राइवर साहब पिछे आ रहे हैं तो मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो जाके बहने फिर चल देंगे। ओके जी असी अमृतसर पहुँच गए थे तो मैं इस वक्त खड़ा सी पार्किंग के गड्डी इतनी अभी खड़ा दी थी तो नैक्सट असी जा रहे हम दरबार साहब वाल दर्शन करा तो मत्था टेकेंगे तो असी पहुँच गए तक 7:30 बजे असी पहुँचेंगे पार्किंग बाहर निकले तो हूँ असी दरबार साहब वाल जा रहे हैं तो थोड़ी पार्किंग जी है सी ना थोड़ी मुश्किल ना मिली हैगी तो क्योंकि काफ़ी ज्यादा गड्डिया खड़िया सगिया तो हूँ असी दरबार साहब वाल ही जा रहे हैं तुर के। बहुत सारी संगत इस वक्त दरबार साहब में मत्था टेकने लिए जा रही उन्होंने मैं भी मत्था अच्छे टेकन जा रहा गा ये 1 फरवरी या मार्च में आया सगा अपने दोस्तों के नाल ते उस तो बाद हूँ आएगा मम्मी पापा के नाल ते सामने दरबार साहब नज़र आना शुरू हो गया ते जलियांवाला बाग सामने दरबार साहब ते असी हूँ उधरों जा रहे हैं गे मम्मी पापा दोनों उधर जा रहे हैं गे मैं कोल ही उन्होंने निमे अच कितने टाइम बाद आया अज दरबार साहब भाई 2 महीने पहला 2 महीने पहला आए थे कि फिर तो बढ़िया गया छोटा फिर आना हो गया ना सही गल है मैं तो यह मानो कि जनवरी फरवरी आया से अपने दोस्तों नाल ते हुण हुण पति हुण कट्ठियां पाए है ना जो मैं हूँ जा रहा जोड़ा घर वाल तो मैं अपने जो बूट ने गे जमा करवाने ने गे तो उस तो बाद जावे फिर इशान करा इशान करने तो बाद फिर जावे अंदर दरबार साहब मत्था टेकन के लिए उ लग जूगा टाइम मैं ब्लॉग उत्थे शूट नहीं करूँगा तो सिर्फ मत्था टेकन जावे तो उधर ला जाऊंगा दरबार साहब जोड़ा घर भी बहुत सोहना बनाता जोड़ा घर तो जाके इतने अपने जोड़े जमा कराने गए ओके फाइनली जोड़े जमे कराते थे तो हम चलते बस हूँ इशनान करने के लिए दरबार साहब दुख पंजनी बेरी कोल दीवान हाल लंगर हाल सामने जा रहे हैं।
ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਰਮਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ओके हूँ दरबार साहब मत्था टेकया सी ते हूँ छकन जा रहे हैं कि लंगर असी लंगर छकन जा रहे हैं कि उपर जा रहे हैं कि सैकेंड फ्लोर से मत्था टेकया सी ते बस ये सारी संगत जिन्हें कि लंगर छकन है मैं लंगर छकया सी लंगर छक के तो हूँ जा रहा मैं जोड़े घर के बच्चे अपने शूज लैन चहल पहल बहुत ज़्यादा गी बहुत सारी संगत आ रही है मत्था टेकन के लिए तो मैं तो मम्मी जा रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा गी मम्मी कितने साल बाद आई है मम्मी तो बहुत साल बाद अज दरबार से मत्था टेकन वास्ते आए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा गी इस करके असी वापस जा रहे हैं गे मम्मी कर लगे शॉपिंग तो चुनिया लैन लगे ने ते ओके मैं लेती सी कुल्फी गर्मी है क्या बहुत ज़्यादा इस करके मैं लेती कुल्फी बटे टेस्टी बहुत आ गई मज़ा बाकी की है ना हूँ आइसक्रीम खाली सी तो हूँ मैं वापस जा रहा सी पार्किंग जिथे गड्डी खड़ी हैगी तो बस तस्दीक आ गए सामने पार्किंग हैगी तो बस उत्थे जा रहे थे तो पापा मेरे थोड़े पिछे आ रहे हैं थोड़ा काम से उन्होंने तो कुछ परचेज कर लग गए थे तो वह लैके उत्थे पहुँचन गए पार्किंग तो मैं बस पार्किंग पहुँचने वाला गा तो गड्डी कढ़ देंगे बाहर तो फिर चलांगे आपां सीधा घर नूं तो फिलहाल बाकी बहुत वधिया रहा दिन तो गर्मी बहुत ज़्यादा जी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बन गए कोई गल तू भी आया भीर तू भी बिच आया बाकी चलते हैं सामने आ गए फाइनली पार्किंग दे विच पहुंच गए गड्डी खड़ी अपनी सामने तो बस बैठते जाके कितना टाइम हो गया इनू पंद्रह मिनट होने चलो फिर तो ठीक है गर्मी बहुत है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना फाइनली आ गए पार्किंग के दरबार साहब मत्था टेकिया लंगर छकया गर्मी बहुत ज़्यादा गई ज़्यादा दूर अच्छे घूमन नहीं गए क्योंकि बस अभी हम घर जावे होर कितनी आते गए बाकी अभी जाना जरेवल बाग जाना सी गर्मी करके अभी गए नहीं उसे नैक्सट टाइम फिर आवेंगे फिर जावे लो जी एक बार फिर पहुँच चुके हैं हवेली तो मॉर्निंग खड़ के गए थे और पहला मॉर्निंग पीती चाह तो हूँ देख रहे चाह पिए कि जा फिर कोल्ड ड्रिंक तो इधर लगे ने कूलर काफ़ी ज़्यादा कट मॉर्निंग इन्हें ज़्यादा कट नहीं करना हूँ ज़्यादा कट हो चुके है पक्षिया ने नहीं ठालिया पे नहीं गया जो बच्चे पानी जहाँ निकल रहा है देखो उन्होंने बड़ा सोहना लग रहा है ये हाँ देखो बड़ा वही लग रहा देख सही लग रहा बई जो पखे ये फर उ पानी पैंता गा तो इदा एक धुंध जी बन के आया जाता इधर मेरे सामने जितने मैं बैठा गा एवं सामने वो जो आ गए देखो हूँ ना वो मैं लगता बाल्टी तोड़न के ला दूँ देखिए चलो की कर दें देखियो आ चक आ चक ये करना के खा टाइम देने मैं देख देना जवाब इन देखिए हम फेर करना देखिए उन्हें एक बार फिर ए ए ए आ चक ये करना के कम जो जिदा ये हाँ देखो जवाक छोटा जहा देखो ये हम देखो फुल भरी हुई है निके बच्चे फड़े उन्हें खाए टाइम दी कर लगे पैने ये लो जी चाह चाह बट ने यार चाह इस मैंने ना जो सवेरे पीती सी ये टेस्टी बहुत सी करके मैं हम फेम लैके आया मैं सवाद लगी सवेरे मॉर्निंग तो चलो पीने गए मिलने बाद फिर आप पी पू के चाह
ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏ ਸੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 8:20 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਗਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਭਾਅ ਨਾਲ ਗਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਬਟ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗਰਮ ਆਗੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ।